हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं, अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक तो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है, और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो, इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,009 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब यह सत्र संपन्न होगा तो मानकर के चलिए कि यह संख्या 4,00,000 की संख्या पूरी कर चुके हैं। 4,00,009 दंपत्ति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे, यानी मानकर के चलिए कि 4,00,000 विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता है। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे, उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना।